फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक मोटर की वीडियो लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है आधी इंच का जीआई का है अपना, तो पहले ये इस हाइट पे था दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने इसे चूड़ी काट के इसे डाउन किया है। यहाँ पर देखिए मैंने दोस्तों एक जीआई एल्बो लगाया है। दोस्तों ये लाइन सीधी चली गई डाउन होकर, क्योंकि जिस लेवल में मोटर मेरा लगा है उसी लेवल पे मैंने इस पाइपलाइन को डाउन कर दिया है। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जीआई पाइप था, उसके बाद मैंने यहाँ पर जीआई सॉकेट लगाया आधे इंच का। ये ब्रास एमटी है दोस्तों, सीपीवीसी में पौना बाई आधा का। ये आधे इंच सॉकेट में आधा इंच चूड़ी लगता है, ये पौना इंच का है दोस्तों, पौना इंच सीपीवीसी पाइप। दोस्तों ये देखिए, ये सीधा चला गया है मोटर के इनलेट में, और देखिए दोस्तों ये वाला पाइप आया है मोटर के आउटलेट में। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एल्बो की सहायता से इसको ऊपर टर्न कर दिया है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर मैंने एक ब्रास एमटीए लगाया और एक एल्बो है यहाँ पे आधे इंच का जीआई का। ये जीआई टी है, ये एक्चुअली पुरानी लाइन डली थी। और ये देखिए दोस्तों, एक किचन में फ्रेश नल चला गया है अपना। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सीधा टंकी को भरने के लिए आधे इंच का जीआई पाइप हमारा ऊपर चला गया है। और एक पाइप दोस्तों जो आप देख रहे हैं लंबा जैसा बाहर निकल रहा है, वो अपना ओवरफ्लो का है। और एक जिसमें टी लगा है जीआई टी, वो अपना उतरने वाला लाइन है जिसे आउटलेट कहते हैं टंकी का, वो पौना इंच जीआई में है दोस्तों। और ये सीधे आ कर के हमारे बाथरूम में जा कर के एंटर हो गया है। इसमें आधी इंच की सप्लाई अंदर से गई है दोस्तों। ये हाउसिंग बोर्ड का मकान है जिसमें एक बाथरूम, एक टॉयलेट और एक किचन है दोस्तों। अब मैं आपको अंदर से मोटर की वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। बाहर से आप देख सकते हैं लाइन मैंने आपको दिखाया है, एक बार और आपको दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं अंदर से आपको वीडियो बना के दिखाता हूं। फ्रेंड्स देखो, मैं ये घर के अंदर आ चुका हूं। यहां पर हमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है जिसे मैंने लगाया है। ये सामने एक टॉयलेट है इस दरवाजे के अंदर। ये नहानी खोली जिसे बोलते हैं बाथरूम, वहाँ पे एक सिंगल नल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गीज़र पॉइंट नहीं है दोस्तों। अभी मैं आपको किचन का दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये किचन का आ गया है, जिसमें कि ये वाला मैंने बाहर से आपको लाइन दिखाया था। ये फ्रेश वाटर है जो कि सुबह 6 से 7 और शाम को 5 से 6 आता है। ये टंकी का है मेरा दोस्तों पाइप लाइन। ये किचन सिंक है 18x16 का, सामने से दोस्तों ये 16 इंच है, लेफ्ट टू राइट ये दोस्तों हमारा 18 इंच है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वेस्ट पाइप लगा है, जाली लगा है, होल जाली सीपी का। देखिए दोस्तों, मोटर का ये कनेक्शन मैंने किया हुआ है। जब मैं इसको लगाता हूँ प्लग और चालू करता हूँ तो हमारा मोटर ऑन हो जाता है। ये देखिए, आप मोटर के साउंड को सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने फिर ये मोटर को बंद कर दिया और प्लग को निकाल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं मोटर के बारे में आपको अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा इनकमिंग पाइप है दोस्तों, जो कि मेरा सुबह शाम जो पानी आता है नगर निगम से, जो कि हमें सोसाइटी द्वारा सप्लाई मिलती है, उसका ये पौना इंच का पाइप है दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक बॉल वाल लगाया है पौना इंच का। यदि किसी कारणवश हमारी मोटर ख़राब हो जाती है तो आप इसे क्वार्टर टन इतना घुमाने के बाद ये हमारा बॉल वाल बंद हो जाएगा। और दोस्तों ये जब ये पाइप के सीधे में रहता है उस समय हमारा वाल खुला है दोस्तों। यदि इस मोटर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मैंने 2 यूनियन दिया है दोस्तों। ये देखिए पौना इंच का, इसे आप इजी आराम से खोल सकते हैं। जब भी आप मोटर लगाएं दोस्तों, आप ज़रूर यूनियन और बॉल वाल का इस्तेमाल करें दोस्तों। ये जो हमारी मोटर आधा एचपी की है, तो हमारा दोस्तों इसमें जो इनपुट और आउटपुट जो आता है हमेशा 25 mm, जिसे हम 1 इंच का कहते हैं, बना हुआ आता है दोस्तों। लेकिन जब सप्लाई की पाइप प्रेशर से हमारी आती है पानी, तो ऑटोमेटिक 1 इंच का आकार लेके, और ये हमारा एक मंजिल पे ही मोटर है दोस्तों, इसलिए मैंने ये सीपीवीसी का पौना इंच का पाइप यूज़ किया है। हालांकि दोस्तों मुझे इसमें 1 इंच का लगाना था, लेकिन कस्टमर से भी बात करना पड़ता है और इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये बॉल वाल हमारा यूनियन। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मैंने एमटीए लगाया है, ब्रास एमटीए, उसमें मैंने बुश किया है। देखो दोस्तों, बुश 1x15 का, जो कि कन्वर्ट होके यूनियन में इसको मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर एमटीए है, उसके बाद ये बुशिंग किया है, बुश है 1x15 का। उसके बाद देखिए दोस्तों, एल्बो
और ये देखिए दोस्तों यूनियन, और ये दोस्तों बहुत ही कारगर मोटर है। आप कभी भी इसकी जगह एक एचपी का मोटर ना लगाएं, जो नॉर्मल घरों में पानी आता है दोस्तों उसके लिए आधी एचपी का बहुत ही सफिशियंट है। इसकी जानकारी आप प्लम्बर से भी ले सकते हैं, कभी भी आप अपनी मर्ज़ी से मोटर का चयन ना करें। और देखिए दोस्तों मैंने इसमें और एक काम किया है जो आपके दिखाना चाहता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ देखिए एंगल पे फिट किया इस मोटर को, 1.25 इंच का एंगल है दोस्तों, और ये लगभग 4 इंच मैंने अंदर डाला है इसको दीवार के साथ, मैंने प्लास्टर कर दिया है। ये देखिए दोस्तों नीचे से पूरा स्पेस खाली है, आप कभी भी यहाँ पर सफाई आप कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे जाम भी किया हुआ है। अभी मैंने इसे नट बोल्ट नहीं डाला है दोस्तों, लेकिन ये नट बोल्ट इसमें डालना है। मैंने अपना मार्किंग करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा इस पर घुसा दिया था, क्योंकि मालिक जो है नट बोल्ट अभी लाया नहीं था। बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको बिठाया है दोनों तरफ, आपको इस तरफ भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों लकड़ी का टुकड़ा डाला है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैंने इसको फिट किया है। ये देखिए, और यहाँ पर भी ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों। यदि मोटर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें। और दोस्तों ये जो मैंने वायर डाला है ये बहुत ही अच्छी कंपनी का है, हैवल्स कंपनी का है, जो कि मुझे दुकान से 27 रुपये मीटर में मुझे मिला है। आप प्लीज़ अच्छी कंपनी का वायर का यूज़ करें मोटर के लिए। आप कभी भी बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो जॉइंट है दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसको चेक करके करें, क्योंकि ये मैंने किचन में लगाया है, यहाँ जगह बहुत कम था दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी हो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे बताना। और मैं हमेशा जब भी मोटर लगाता हूँ दोस्तों इसी प्रकार का जो सिस्टम है इसको बना के लगाता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार की भविष्य में परेशानियाँ मत आए, यूनियन इजी खुल जाएगा आपका। यदि किसी कारणवश मोटर हमारा ख़राब हो जाता है दोस्तों, आप इस वॉल को बंद कर सकते हैं और इजी है, दोनों यूनियन को आप खोल के और यहाँ से नट बोल्ट को खोल के आप ले जा सकते हैं। उसके बाद कभी भी मोटर आपका बने तो आप आके खुद से इसको आप लगा सकते हैं बिना प्लम्बर बुलाए दोस्तों। और इस बॉल वाल को हमेशा जब भी मोटर बनाने ले जाएं, बॉल वाल को आप हमेशा बंद कर दें दोस्तों। यदि कभी घर से बाहर भी जाते हैं 10 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए, तब भी इसको बंद कर दें दोस्तों, क्योंकि इसमें से मोटर में से पानी पार होकर के आपके किचन में और ऊपर में जा सकता है जब फोर्स ज़्यादा होगा। और इसको करीब 10 दिन या 15 दिन के अंदर दोस्तों आप 2 बार 3 बार आप इजी इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके किनारे जो भी रस्ट आता है दोस्तों वो कभी जमेगा नहीं, जिससे कि मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी और इस बॉल वाल की भी लाइफ बढ़ जाएगी दोस्तों। देखिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।